आम आदमी पार्टी का आरोप, बीजेपी की शाहीन बाग जामिया में 2 फरवरी को बड़े बवाल की तैयारी। नमस्कार, आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि भाजपा 2 फरवरी को दिल्ली के शाहीन बाग और जामिया मिलिया इस्लामिया में एक बड़े बवाल की योजना बना रही है। यहां CAA विरोधी प्रदर्शन जारी है। आपने साथ ही चुनाव आयोग से जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। हालांकि दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रभारी अशोक गोयल ने इस दावे को बेतुका बताते हुए खारिज किया। वरिष्ठ आप नेता संजय सिंह ने यहां मीडिया के सामने दावा किया कि उनके पास सबूत है और वह चुनाव आयोग से इस संबंध में बात करेंगे। उन्होंने कहा, मेरे पास सबूत है, व्हाट्सएप पर कोई मैसेजेस और वीडियो घूम रहे हैं। हम सबूत के साथ चुनाव आयोग के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप नेता ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस के साथ अमित शाह ने बांधे हैं। शाह के पदभार संभालने के बाद दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। अब वह 2 फरवरी को शाहीन बाग और जामिया मिलिया इस्लामिया में कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हैं। मैं दिल्ली के लोगों और चुनाव आयोग को आगाह करना चाहता हूं। इस आरोप के जवाब में गोयल ने कहा कि आप दिल्ली चुनाव में हार पक्की होने से बेचैन हैं और बेतुक बयान दे रही हैं। चुनाव के पहले समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम ने शुक्रवार को शाहीन बाग का दौरा किया। इस दौरान इस टीम ने ये जानने का प्रयास किया कि यहां 8 फरवरी को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाए जा सकते हैं या नहीं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी रणवीर सिंह ने ANI से बातचीत में कहा कि वो शाहीन बाग में चुनाव के पहले की तैयारियों का जायजा लेने आए थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।